दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन जो कस्टमर होते हैं वो किस तरह से जो सेलर्स होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और इस केस में मीशो के अंदर जो है ज़्यादातर ये केस देखने को मिलता है। और इसी में एक लेटेस्ट जो है, अभी मेरे को एक ऑर्डर रिसीव हुआ था, और ऑर्डर रिसीव होने के साथ वो जब कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया, और डिलीवर्ड होने के बाद कस्टमर ने उसका एक्सचेंज का जो है इसमें रिटर्न की रिक्वेस्ट इरेज की है, और इरेज करने के साथ ही मैंने जब मीशो की सेलर सपोर्ट टीम से इसके बारे में कंफर्मेशन लिया, तब जाके मुझे पता चला कि वो ऑर्डर मेरा सेम था, और सेम कस्टमर के होने की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि वो ऑर्डर यहाँ पे अभी मैंने उसको डिस्पैच नहीं किया है जो एक्सचेंज का था, क्योंकि ये मुझे कल किसका 26 अप्रैल को मुझे इसको डिस्पैच करना है। तो मैं आपको पहले वो ऑर्डर दिखा देता हूँ कि कौन सा ऑर्डर मैंने डिस्पैच किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला एक ऑर्डर है जो अभी मुझे एक्सचेंज में डिस्पैच करना है, लेकिन इससे पहले जो मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था, तो ये ऑर्डर आप देखेंगे सेम ऑर्डर था, और ये कैंसल कैटेगरी के अंदर चला गया था। अगर मैं कैंसल में देखता हूँ, क्योंकि इस ऑर्डर को मैंने डिस्पैच कर दिया था, और डिस्पैच होने के बाद में ये मेरा आउटस्टैंडिंग के अंदर इसका बैलेंस दिखा रहा था। तो यहाँ पर जैसे मैं कैंसिल टैब के अंदर चेक किया, और फिर मैंने इस ऑर्डर आईडी को सर्च किया अपने पेमेंट सेक्शन के अंदर, जैसे ऑर्डर आईडी मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के साथ ही यहाँ पे होता है पेमेंट्स। तो पेमेंट्स के अंदर मैंने यहाँ पे इस ऑर्डर आईडी को पेस्ट किया, और पेस्ट करने के साथ ही मैंने इसको सर्च किया। तो जैसे मैंने सर्च किया, तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर जो है कैंसिल नहीं हुआ था, और ये यहाँ पे आ गया जो एक्सचेंज का। अगर मैं देखें सब ऑर्डर जो इसमें कंट्रीब्यूशन जो होता है, यानी एक्सचेंज है, कस्टमर वही है, सेम कस्टमर है। और इसके अंदर जब मैं आपको व्यू डिटेल पे दिखा देता हूँ, तो अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट इसका दिखा रहा है 1194 रुपये, यानी सॉरी 1111 रुपये 94 पैसे का अमाउंट इसमें दिखा रहा है। व्यू डिटेल्स पे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ 21 अप्रैल को, और कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया 22 अप्रैल को, क्योंकि ये लोकल ऑर्डर था, लोकल दिल्ली का जो है, ये दिल्ली का ही ऑर्डर था मेरा। और इस केस में जैसे सेम डे पे, यानी नेक्स्ट डे कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया। अब डिलीवर्ड होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे मेरे अगर वन साइड की शिपिंग जो है 94 रुपीज़, 94.82, यानी अप्रॉक्स 95 रुपीज़ मेरे इसमें शिपिंग चार्ज लगते हैं। लेकिन कस्टमर ने क्या किया, इस ऑर्डर को एक्सचेंज, और एक्सचेंज की जो क्या वजह है वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक्सचेंज होता है, यानी कि इसमें आपके टू साइड शिपिंग चार्ज लग जाते हैं, तो इसमें मीशो ने क्या किया, रिटर्न शिपिंग चार्ज इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लिया 237 रुपये, यानी कि आप देखेंगे 237 का इसमें मेरे को जो है रिटर्न शिपिंग चार्ज जो है इसमें ऐड हो गया। और क्वांटिटी आप देखेंगे इसी प्रोडक्ट की यहाँ पे दो क्वांटिटी है, अब क्वांटिटी दो है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट था, अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ मीशो पे, ये लाइव है, और इसकी जो कॉस्ट है मैं कितनी है अप्रोक्स 700+ का ये इसको सेल कर रहा हूँ। तो ये वाला वो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे ये अभी भी लाइव है, और ये स्टील की एक तरह की केटली है, नॉन जॉइंट वाली जो होती है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं अपने मोस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर काफ़ी क्वालिटी को मैं पूरा मेंटेन करके चलता हूँ, और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट ही मैं अपने जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर मैं सेल करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला वो प्रोडक्ट था, अब ये जो प्रोडक्ट था कस्टमर को मैंने खुद ने इसको डिस्पैच किया था, क्वांटिटी दो थी। जब मल्टीपल क्वांटिटीज होती है उनको मैं स्पेशली ऑर्डर को मॉनिटरिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल ऑर्डर को मॉनिटरिंग मैं नहीं करता, लेकिन जो मल्टी क्वांटिटी के अंदर आ जाते हैं, मल्टीपल क्वांटिटीज होती है, एक से ज़्यादा क्वांटिटी होती है, तो उनको मैं शुरू से लेकर एंड तक मेरा काम उसका मॉनिटरिंग कराता है। अब मॉनिटरिंग के साथ रहने के साथ ही अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो मैंने आपको दिखा दिया रिटर्न शिपिंग चार्ज भी इसमें लग गए, और कस्टमर का ये एक्सचेंज का था, कस्टमर को जो है ऑर्डर रिसीव हो गया, और रिसीव होने के साथ उसने एक्सचेंज का यहाँ पे रिटर्न की रिक्वेस्ट रेज किया कि मुझे ये प्रोडक्ट जो मिला है इसको एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज क्यों करना है, अब ये डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अभी प्रोडक्ट मुझे रिसीव नहीं हुआ है, अभी ये इन ट्रांजिट है, मैं रिटर्न के अंदर आपको दिखा देता हूँ, और रिटर्न ट्रैकिंग होता है इसके अंदर। तो रिटर्न ट्रैकिंग के अंदर ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्वांटिटी यहाँ पे दो है, और ऑर्डर आईडी भी आपने मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था सेम ऑर्डर आईडी वही है यहाँ पे। अब कस्टमर का जो है यहाँ पे कमेंट क्या है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कि कस्टमर का कहना है कि उसको जो प्रोडक्ट भी यहाँ पे रिसीव हुआ है वो है रिसीव डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अब उसको यह डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, कस्टमर का कहना है कि मेरे को ये जो डैमेज मिला गंदा प्रोडक्ट था, और इस वजह से ये थोड़ा सा इसमें फिजिकली डैमेज था, तो इस वजह से, यानी कि ये क्वेरी इसने मतलब कस्टमर का कमेंट था, और कमेंट ये कहते हुए कस्टमर इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है। लेकिन मैं पिछले अपने 3 से 4 सालों का अपना एक्सपीरियंस है मुझे मेरा भी ऑनलाइन का, और इसी बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि ये प्रोडक्ट अभी मुझे इन ट्रांजिट आप देखेंगे रिसीव नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं इसका ये
पहला पार्ट बना रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट मैं आपको बनाऊंगा जब ये ऑर्डर मुझे रिसीव होगा। अब यहाँ पे मुझे 100% इस चीज़ का है कि कस्टमर में यहाँ पर जो है धोखाधड़ी जो करेगा, और करने के साथ ही यहाँ पर क्या होगा कि जब उसका कहना, क्योंकि मैंने ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है मल्टी क्वान्टिटी का प्रोडक्ट था और काफ़ी बेस्ट है, ये सील पैक प्रोडक्ट थे, कहीं पर भी इसमें कोई, मैं दोनों के अंदर कहीं पर भी डैमेज नहीं था, कहीं पर भी कोई दाग नहीं था, किसी भी तरह का कोई भी A1 प्रोडक्ट थे जो कि मैंने दोनों इसके अंदर कस्टमर को डिस्पेच किए हैं। तो अब यहाँ पर यह प्रोडक्ट अभी मुझे रिटर्न रिसीव नहीं हुआ है, अभी भी आप देखेंगे सेड ऑफ एक्स कोरियर है, इसका ये ट्रैकिंग नंबर है, एयरवे बिल नंबर है। तो ये जब मुझे रिसीव होगा और रिसीव होने के साथ में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे इसमें रिसीव हुआ था, और अब मुझे एक्सचेंज जो था, अब एक्सचेंज इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 237 मेरे इसमें रिटर्न शिपिंग चार्ज लग रहे हैं, और लगने के साथ ही मैं अगर आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ तो इस ऑर्डर को मुझे अभी 26 तारीख यानी कल मुझे इस ऑर्डर को डिस्पेच करना है। तो अब इसको ऑर्डर को मैं डिस्पेच भी करूंगा, करने के साथ जो रिटर्न मुझे आएगा इसका भी मैं आपको अपडेट जो है इसके सेकंड पार्ट के अंदर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों मीशो के अंदर काफ़ी ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं जो मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, मोस्टली केस में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहे, जब कोई मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर कोई कस्टमर अगर ऑर्डर करता है तो उस केस में ऐसे ऑर्डर्स को या तो आप कैंसिल करें, क्योंकि अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो ऐसे केस में मोस्टली केस आपके जो होते हैं कस्टमर आपको चीट करते हैं, यानी उसमें आपको नुकसान पहुंचाने का उनका टारगेट होता है कि किस तरह से हम ऑनलाइन जो है किसी भी प्लेटफॉर्म में जो 7 डेज का जो रिप्लेसमेंट होता है उसका वो पूरा पूरा बेनिफिट इसमें लेते हैं। मैं सभी कस्टमर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें से कुछ एक कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके माइंड के अंदर ये स्ट्रेटजी चलती है कि हम किस तरह से कोई भी प्रोडक्ट अगर मंगाते हैं तो इसको प्रोडक्ट भी हमारे पास रह जाए, और हमारा कोई जो दूसरा प्रोडक्ट होता है, मतलब जो यूज प्रोडक्ट होते हैं उनके, उन प्रोडक्ट को वो उसके बदले जाने के, मान के चलिए, क्योंकि होम अप्लायंसेस के मेरे प्रोडक्ट होते हैं, इस केस में क्या होता है कि ये जो घरों के अंदर यूज करते हैं, अब कस्टमर ने कह दिया मेरे को तो गंदा प्रोडक्ट मिला है या डैमेज मिला है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कोरियर बॉय को वो रिटर्न करेगा तो वो ऐसे प्रोडक्ट करेगा जो घर के अंदर वो यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के केस में क्या हो, पुराना प्रोडक्ट देगा और नया प्रोडक्ट अपने पास रख लेगा। तो इस केस में क्या होगा, कस्टमर को दो तरफ से फ़ायदा होगा कि दो क्वांटिटी के अंदर नए प्रोडक्ट उसके पास चले गए, अब दो अपने घर के जो है वो ओल्ड प्रोडक्ट होगा वो हमें रिटर्न कर देगा सेलर को, और सेलर जब उसको दोबारा डिस्पैच करेगा नए प्रोडक्ट, तो उसके पास एक ही चीज़ के दो दो प्रोडक्ट उसमें चले जाते हैं, वो अपना जो है इसमें काफ़ी प्राउड फील करता है कि मैंने जो अपना प्रोडक्ट, मेरे पास जो है नया प्रोडक्ट मैंने रख लिया, पुराना प्रोडक्ट निकाल भी दिया, और मेरा पैसा जो है सेफ हो गया, मैं इस चीज़ में प्रॉफिट में रहा हूँ। तो काफ़ी ऐसी जो इसकी मीशो के केस में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी होता है, लेकिन उस केस में आपके मोस्टली क्लेम जो है अप्रूव कर दिए जाते हैं, लेकिन मीशो के केस में थोड़ा सा क्लेम का इशू चलता है। तो यहाँ पर जब भी दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मल्टी क्वांटिटी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको रिसीव होता है तो उस केस में ऐसे ऑर्डर को आप डिस्पेच ना करें, क्योंकि ये मैं तो करता हूँ, लेकिन किसी केस में मॉनिटरिंग के लिए कि जब मैं 100 बजे लोकल मेरा दिल्ली का ऑर्डर था इसलिए मैंने इसको डिस्पेच कर दिया, अगर दूसरे स्टेट का ऑर्डर होता तो मैं इस केस में इसको कैंसिल कर देता। तो दोस्तों थोड़ी सी ये गाइडलाइन है, गाइडलाइन तो क्या कहूँ कि कस्टमर जो होते हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं, और काफ़ी ऐसे कस्टमर्स जो होते हैं कि वो रिटर्न नहीं करते हैं, रिटर्न में वही प्रोडक्ट करते हैं जो उनको रिसीव होता है। लेकिन इस केस में मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा 3 से 4 साल का, उसी में बता रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट होगा मेरे पास रॉन्ग रिटर्न आएगा, और रॉन्ग रिटर्न आएगा 100% मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, 101% मेरे पास रॉन्ग रिटर्न आएगा, और रिटर्न के केस में यहाँ पे जब मैं डिस्पेच करूँगा, डिस्पेच के करने के बाद में जो रिटर्न आएगा उसकी भी इस ऑर्डर आईडी जो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो मैंने अभी ऑर्डर आईडी आपको दिखाया था यहाँ पर, ये वाला जो ऑर्डर आईडी है, ये वाला ऑर्डर आईडी में जब रिटर्न रिसीव होगा और जब मैं उसका क्लेम फाइल करूंगा, इसकी भी मैं आपके सेकंड पार्ट के अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।